बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता डिनो मोरिया को राज फिल्म से बॉलीवुड में एक अलग ही पहचान मिली थी। इस फिल्म में उनकी को स्टार बिपाशा बसु थी। राज फिल्म में इन दोनों की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया था। बिपाशा को इस फिल्म के बाद काफी बड़ी बड़ी फिल्में मिली जिससे उनका बॉलीवुड करियर चमक गया, लेकिन डिनो मोरिया इस फिल्म के बाद अपने फिल्मी करियर में ज्यादा नहीं चमक पाए और फिर गायब ही हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2002 में आई फिल्म राज की शूटिंग के दौरान डिनो मोरिया और बिपाशा बसु एक दूसरे के काफी करीब भी आ गए थे और इनके अफेयर की चर्चा उस वक्त काफी हो रही थी, लेकिन किसी वजह से इन दोनों ने एक दूसरे से दूरियां बना ली। फिलहाल अभिनेता डिनो मोरिया अब कम ही नजर आते हैं, कभी कभी उन्हें किसी अवार्ड फंक्शन में ही देखा जाता है। बॉलीवुड में उनकी फिल्म आए हुए भी काफी समय बीत गया है। इन दिनों अभिनेता डिनो मोरिया का सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जिसके अंदर डिनो बॉलीवुड के स्टार अभिनेता वरुण धवन को मुक्केबाजी सिखाते नजर आ रहे हैं। बता दें कि डिनो मोरिया के साथ मुक्केबाजी करते हुए इस वीडियो को वरुण धवन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। मिली जानकारी के अनुसार वरुण धवन अपनी आने वाली फिल्म अक्टूबर के लिए डिनो मोरिया से बॉक्सिंग को सीखने के लिए उनसे इस समय मदद ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि वरुण धवन के द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो से डिनो की झलक काफी समय बाद दिखाई दी है। बॉलीवुड अभिनेता डिनो मोरिया अभिनेता के साथ साथ एक मॉडल और फिल्म निर्माता भी है। अभिनेता डिनो मोरिया का जन्म 9 दिसंबर 1975 को बैंगलोर के कर्नाटक में हुआ था। अभिनेता डिनो मोरिया ने बॉलीवुड के अलावा तमिल, कन्नड़ और मलयालम फिल्मों में भी काम किया है। डिनो ने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत साल 1999 में आई फिल्म कभी कभी से की थी। डिनो मोरिया को साल 2002 में आई फिल्म राज के लिए जी सिने पुरस्कार भी मिला था। वैसे डिनो मोरिया अभिनेता के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं।